भूतों ने बनाया रात भर में मंदिर, भोर होने पर अधूरा छोड़ा काम, कथाओं के अनुसार प्रचलित है मंदिर की कथा। जी हाँ, हम आपको कोटा के पास कैथून इलाके में बिनियानी गांव में स्थित भूतों के मंदिर के बारे में बता रहे हैं जो बरसों पुराने हैं। इस शिव मंदिर को देखकर लोग प्रचलित कथाओं के अनुसार बताते हैं कि इस मंदिर को बरसों पहले भूतों द्वारा रात में बनाया जा रहा था। सुबह होते ही इस मंदिर का काम छोड़कर भूत चले गए, लेकिन मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। सुंदर कलाकृतियां मौजूद हैं, लेकिन वक्त के थपेड़ों के साथ साथ मंदिर जर्जर होता चला गया। वहीं मंदिर की कलाकृतियां टूट गईं, कुछ मूर्तियां खंडित होकर इधर उधर बिखर गईं। मंदिर के पास में दो कुंड हैं, जिन्हें सास बहू के कुंड के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का कहना है कि इस मंदिर का यदि समय पर संरक्षण नहीं किया गया तो धीरे धीरे मंदिर का अस्तित्व मिट जाएगा। पुरातत्व विभाग इस मंदिर के जीवन शैली को लेकर सजग हो, ताकि इस अमूल्य धरोहर को बचाया जा सके और कहानी के अनुसार भूतों के मंदिर की परंपरा के साथ आस्था भी बनी रहे। ऐसे बोला जाता है कि यह मंदिर बरसों पुराना है और ये ऐसे सुनने में भी आता है कि बहुत पुराना है, भूतों द्वारा बनाया गया है। इसके पास में एक कुंड भी है और एक छोटा वाला भी है। तो एक कुंड को तो सास के नाम से जाना जाता है, एक को बहू के नाम पे जाना जाता है। और जो ये मंदिर है करीब करीब बहुत पुराना है, हमारे कितना वर्ष पुराना होगा ये? करीब करीब हो गए 2000 साल पुराना तो मंदिर है और भूतों द्वारा ही बनाया गया है। जी, इस वक्त हम खड़े हैं कैथून के नज़दीक बिनियानी गाँव में, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे को लेकर यहाँ पे कई कथाएँ जो हैं प्रचलित हैं। और एक कथा के अनुसार ये माना जाता है कि शिव मंदिर जो है भूतों द्वारा बनाया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे जस्ट पीछे भगवान का जो है मंदिर है, और अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये मंदिर का मंडप है, और मंडप की जो नक्काशी है कितनी शानदार है, कितनी कलाकृतियाँ इस मंडप के नक्काशी के अंदर है आप देख सकते हैं। और मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि मंडप के जो पिल्लर हैं वो किस तरह से बड़ी चट्टानों पर केवल टिका के रखे गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो पिलर हैं मात्र टिकाए हुए हैं, इन्हीं के सहारे पूरे मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा हुआ है। और आप अब मेरे साथ मंदिर के जो गर्भगृह है जहाँ भगवान की प्रतिमा स्थापित है, मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर और दिखाता हूँ कि गर्भगृह में भगवान की प्रतिमा कितनी सुंदर है और काफ़ी प्राचीन है। ये मंदिर का दरवाज़ा है, इसको हम खोल देते हैं और अब आप सामने देख सकते हैं कि भगवान की प्रतिमा है जो यहाँ पर कितनी पुरानी है। समय के साथ साथ प्रतिमाएं जो हैं काफ़ी रखरखाव के अभाव में ख़राब हो चुकी हैं। और ये मंदिर की जो नक्काशी है इसे भी आप देखें कितनी बारीक तरीके से नक्काशी की गई है, और दीवार पर एक भाषा में कुछ अंकित है उसे भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि उस भाषा में क्या लिखा हुआ है। हमें तो फ़िलहाल समझ में नहीं आया, लेकिन ये कोई तिथि या कोई इस तरह का लेकर कोई चीज़ लिखी हुई है जिससे समझ में आता है कि मंदिर के निर्माण को लेकर है। और यहाँ पर जो भगवान विष्णु लक्ष्मी की जो मूर्तियाँ हैं वो अभी भी संजो कर यहाँ पर रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु जो हैं निंद्रा के उसमें रूप में है लेटर है, और ये लक्ष्मी की मूर्ति है आप देख सकते हैं। और मैं आपको इस मंदिर के बारे में बताना चाहता हूं, जो हमें अभी ग्रामीणों ने बताया कि ये मंदिर काफी पुराना है, इसे 2000 साल पुराना मंदिर कहा जाता है। और ये मंदिर जो है भूतों द्वारा बनाया गया, इसके पास में ही दो कुंड हैं जो एक सास और बहू के नाम से प्रचलित हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मंदिर काफ़ी पुराना है, और पुरातत्व विभाग और मंदिर देवस्थान विभाग से जो है हम गुजारिश करते हैं इस मंदिर को संरक्षण करने की, इस मंदिर का संरक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही पुरानी और कलात्मक शैली के मंदिर है। एसटीएन टुडे के लिए सहयोगी के साथ हेमंत मेहरा।